गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर वेलकम करता हूं। कक्षा बारहवीं का एमपी बोर्ड कक्षा बारहवीं का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है और सभी विद्यार्थी परेशान हैं। तो इससे संबंधित एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, एमपी बोर्ड कक्षा बारहवीं का रिज़ल्ट 27 जुलाई को किया जाएगा घोषित। यह जानकारी है, हेडलाइन है और यह भोपाल से न्यूज है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा ही यह एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़ कह सकते हैं निकल कर आई है। तो आपका जो इंतज़ार है वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। आज 25 तारीख है ना, 25 जुलाई और 27 के दिन मतलब परसों के दिन आपका रिज़ल्ट आने वाला है इस न्यूज़ के अनुसार। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जनरल इंग्लिश को भी हम कवर कर रहे हैं, है ना। मोर देन हाफ सिलेबस अभी तक हमने कवर कर दिए है। फिलहाल इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी डिटेल हम आपको बाद में देंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट 27 जुलाई को जारी किया जाएगा। रिज़ल्ट बनाने का काम पूरा हो गया है। मंडल पहले 25 जुलाई को रिज़ल्ट जारी करने की तैयारी में था, लेकिन मंडल की तैयारी पूरी न होने के कारण रिज़ल्ट 2 दिन आगे बढ़ गया है। रिज़ल्ट आने में लगातार हो रही देरी के कारण विद्यार्थी परेशान हैं। विद्यार्थी रिज़ल्ट को लेकर रोज़ाना मंडल की हेल्पलाइन पर रोज़ाना 1.5 से 2 हज़ार कॉल आ रहे हैं, मतलब रिज़ल्ट कब आएगा स्टूडेंट्स ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिनमें अधिकांश विद्यार्थी रिज़ल्ट के संबंध में ही जानना चाहते हैं। मौसम मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल कि 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की कुल संख्या करीब 8,08,992 है। 2 मार्च से 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते हुए मंडल ने 22 मार्च को शेष बचे हुए पेपरों की परीक्षा स्थगित कर दी थी। इसके बाद 9 जून से 16 तक बचे हुए पेपर की परीक्षा हुई थी, ठीक है, आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,682 केंद्र बनाए गए थे। अब ये तो रिज़ल्ट की बात हो गई, कब आएगा यहाँ देख सकते हैं रिज़ल्ट, जैसे www.mprizults.nic.in पर देख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है www.mpbsc.nic.in और ये वेबसाइट दी गई है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर भी आप देख सकते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर पर MPBSE मोबाइल ऐप, MP मोबाइल और फास्ट रिज़ल्ट ऐप भी ये एप्लीकेशन से हैं, है ना। इन पर जाकर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं वेबसाइट पर, यहाँ करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप दी गई हैं। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सभी स्कूल रहेंगे बंद। शिक्षा विभाग ने संक्रमण के चलते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए 31 जुलाई तक सरकारी और निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि 31 जुलाई को बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल कब से खुलेंगे और कब तक बंद रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 27 जुलाई मतलब परसों के दिन आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रहेगा अच्छा रहेगा और उम्मीद करते हैं आपका रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।